Hi guys, welcome back to my channel, Learn and Grow Education Point. So, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एक sample project, okay, for chemistry, for class 6th, 7th या 5th, okay. कोई सा भी topic हो सकता है आपका, तो आप अपने PowerPoint में इसको ऐसे बना सकते हैं. सो यहाँ पे एक ये बच्चा है, उसका सैंपल प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट केमिस्ट्री में आपको इस बच्चे को टॉपिक मिला था, केमिस्ट्री इज डेली लाइफ. तो हमने फर्स्ट स्लाइड जो आपकी पावर पॉइंट में है यहाँ पे हमने वो लिखा है, उस टॉपिक का नाम, बाय जो भी आपका नाम है वो, आपका रोल नंबर एंड क्लास. ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे आपके सेकंड स्लाइड पे. ठीक है, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन करेंगे अपनी जो भी आपका टॉपिक है उस पे. जैसे इसमें टॉपिक है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो मैंने उस हिसाब से इसमें केमिस्ट्री के ऊपर डेली लाइफ में कैसे कैसे हम हमारी केमिस्ट्री डेली लाइफ में हमारा यूज होती है, मैंने ये बताया है. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को और इसमें लिखेंगे. आप इसके साथ साथ अगर आपके पास इसमें कोई भी यू नो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइटल में, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्लाइड में आप यही लिख सकते हैं. ओके, ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट था फॉर 12 या 10 स्लाइड्स के लिए, तो मैंने वैसे ही बनाया है इसको. आप अपनी स्लाइड्स जैसे जैसे हैं उस हिसाब से बना सकते हैं और मैटर उस हिसाब से आगे थोड़ा बढ़ा या थोड़ा कम कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड स्लाइड में मैंने अभी और उसी के आगे जो जो लिखा है वो है. फिर फोर्थ स्लाइड में मैंने इसमें, आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कोई पिक्चर्स, नेट्स निकाल सकते हैं, या आपके पास कोई पिक्चर्स है या कोई वीडियोज है जो उस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर है, आप उसमें वो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाला है फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ स्लाइड में. सिक्स स्लाइड में मैंने आगे उसी स्लाइड में कंटिन्यू करा है कि कैसे कैसे हमारी केमिस्ट्री हर एक चीज में जरूरी है डेली लाइफ में, जो टॉपिक के ऊपर है उसी के बारे में लिखा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड सेवन स्लाइड में भी मैंने वही बताया कि हर एक चीज जो हमारी डेली लाइफ में हमें जरूरत है, जैसे हमें सॉल्ट वगैरह, उसी टॉपिक के ऊपर मैंने वही लिखा जा रहा है. एट्स में भी मैंने उसी के बारे में बताया है, और नाइन्थ और टेंथ में मैंने अब कंक्लूड कर रही हूँ मैं आपका टॉपिक, क्योंकि मुझे मैक्सिमम इसमें 12 या 13 स्लाइड्स के लिए बनाना था. तो हम लास्ट के जो 3 स्लाइड्स होते हैं उसमें हम अपना कंक्लूजन लिखना चालू कर देते हैं जो भी आपका टॉपिक हो उस पर. ठीक है, बीच के स्लाइड्स में कम से कम 4 से 6, 7, 8 स्लाइड्स तक आप अपना टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है आपने गैदर कर रखी है आप वो कर सकते हैं. अगर आप छोटी सी यू नो प्रोजेक्ट बना रहे हैं फॉर 10 या 12 स्लाइड्स, और अगर जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे आपको वैसे वैसे ही उसमें अपना डालना पड़ेगा मैटर. अब मैंने 9, 10, 11, 12 से मैंने इसको कंक्लूडिंग चालू कर दिया है, तो यहाँ से मैंने कंक्लूडिंग करना चालू कर दिया है 9, 10 में. एंड 11, 12 से मैंने इसमें और बता रही हूँ अभी कि क्या क्या है इसमें. ठीक है, 12, 13 से मैंने अब इसमें पूछना चालू कर दिया है कि हमारी केमिस्ट्री कैसे एवरीडे लाइफ में रोल प्ले कर रही है, एंड अब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ. और लास्ट स्लाइड में जब आपका कंक्लूजन हो जाता है उसके बाद आप एक स्लाइड बना के लिखते हैं थैंक्स, जो भी आपका नाम है, बाय जो भी नाम है वो. तो ये है एक सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक मेरे को दे रखा था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें मैंने इस बच्चे की मदद करी है. तो आप भी ऐसे अपने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या अगर इसी टॉपिक पे है तो इसको ही कॉपी कर सकते हैं, एंड अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से काम करिएगा. थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर.